शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से दूसरों को क्या दोष दें जब समस्या की असली जड़ तुम हो। हे श्रद्धा के तू तो मेरे मुंह मत लगा। सही कहा था मैंने, अपनी बीवी का पालतू कुत्ता है तू, जो उसके आगे पीछे बस नाश्ता घूमता है। हमारे घर में खड़े होके हमें ही सुना रहे हैं। आप दोनों हमारे घर से अभी के अभी बाहर निकलिए। हेलो मम्मी। मम्मी ये क्या हालत बना रखी है आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? श्रद्धा बबलू ने हमें वीडियो दिखाया। ये सब क्या तमाशा है श्रद्धा, जो खत्म ही नहीं हो। मम्मी मैंने आपसे मना किया था ना, बबलू को मोबाइल फोन मत दीजिए। ऐसे तो कितने सारे वीडियोस आते रहेंगे इंटरनेट पे, अब हर वीडियो को वो देखते रहेगा तो उसका पढ़ाई में मन कैसा लगेगा? श्रद्धा तू आज भी अपनी बहन की गलतियों पर पर्दा डाल रही है ना बेटा, तू समझदार है पर अपने बाकी बच्चों को कैसे समझाऊं मैं? हमें तो लगा था हमने अपने तीनों बच्चों को एक जैसे संस्कार दिए हैं, पर कीर्ति ने तो अपनी बहन की इज्जत का भी तमाशा बना दिया। मम्मी इसमें कीर्ति की कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक पार्टी की। तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है हमने श्रद्धा, और अपनी बहन की तरफदारी करना बंद कर। ये सब देखने से अच्छा माता रानी हमें अपने पास बुला ले। मम्मी प्लीज आप ये कुछ भी मत बोलिए, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो आपकी तबीयत ठीक कैसे होगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे लिए आपको अपने आप को संभालना होगा। माफ कीजिएगा आंटी, पर ये सब आप ही की गलती है। आप है प्लीज ऐसे मत कहिए मम्मी को प्लीज। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? यही सब सिखा के भेजा इन्होंने अपनी बेटी को? हम मानते हैं कीर्ति थोड़ी जिद्दी है, मैं उसे समझाऊंगी। आंटी मैं कीर्ति की बात नहीं कर रहा, आपकी बड़ी बेटी की बात कर रहा हूं। क्यों क्या हुआ? श्रद्धा कुछ नहीं कर सकती क्या आंटी? श्रद्धा तुम्हारी मम्मी को तो तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आंटी ये मीना कुमारी की तरह रोना ना इसने आप ही से सीखा है, थोड़ा मुस्कुराना थोड़ा हंसाना भी सिखा देती। देखो अब ये रोई ना तो मैं इसका हाथ पकड़ के आपके पास ले आऊंगा, फिर आप दोनों जुगलबंदी में रोती रहिएगा ठीक है? काश आपकी ही तरह वरुण जी भी परिवार को कीर्ति को संभालना समझाना सीख लें। कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? इस घर में भी कदम रखते ही हदें पार हुई है कीर्ति। वरुण जी आप ना हमारी पति की तरह नहीं उस घटिया अभय की तरह बात कर रहा है। अजनबियों के लिए अपने घर के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है क्या? अजनबी नहीं दोस्त है वो हमारे। वैसे भी उस दिन सुबह सुबह दीदू ने उन्हें भजन कीर्तन में बुलाकर हमारे खिलाफ कर दिया, उसी की भरपाई करने के लिए इस घर में हमने पार्टी रखी, पर नहीं दीदू ने यहाँ भी आके सब खराब कर दिया। पर तुम्हारे दोस्तों ने जो श्रद्धा के साथ जबरदस्ती की वो भी तो गलत था ना? हाँ माना हमारे दोस्तों ने गलती की, हम समझा देंगे उन्हें, अगली पार्टी से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली पार्टी? हाँ और नहीं तो क्या, दो बार हमारे दोस्तों का मजा किरकिरा हो गया है, उसकी भरपाई करने के लिए एक बड़ी सी अच्छी सी पार्टी देनी होगी हमें। वरुण जी
घर बहुत गंदा हो गया है, चलिए सफाई करने, हम तो मर ही जाएंगे, अकेले इतना काम है। कीर्ति, मुझे कल सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है। तो इसमें हम क्या करें? वरुण जी, आपको सफाई करनी ही होगी, हम अकेले नहीं कर सकते इतना कुछ, चलिए। हाँ, सब्जी खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, गोभी दे दीजिए भैया। भाभी, अब आपको बाहर आकर ठीक लग रहा है ना? पैर में दर्द ठीक है? भाभी, अच्छा लग रहा है ना? हमने कहा था आपसे, बाहर निकलेंगी, थोड़ी खुली हवा में आप सांस वांस लेंगी तो आपका दिमाग भी खुल जाएगा। आप लोग ना सब्जी खरीदी, हमें बड़ी भूख लगी, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हमारा तो दिल और दिमाग दोनों ही फट गया बाहर आकर। क्या हुआ रितु, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? नहीं 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 भाभी, आप 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 मत देखिए, अगर आप देखेगी तो आपका भी दिल और दिमाग दोनों ही बाहर आके फट जाएगा। क्या बोल नहीं, रही है? नहीं मत देखिए। मैं भी नहीं सोचा था कि हमें अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देखना पड़ेगा। सड़क पे खाना खा रहे थे वो। इस घर से कभी आपने उन्हें ऐसे खाली पेट निकलते हुए देखा है क्या, बताइए? अरे सवाल ही नहीं उठता है भाभी। अरे बाहर तो निकलना दूर की बात हुई, अगर वरुण नाश्ता भी नहीं करता ना तो हमने आपके गले से एक भी निवाला उतरते आज तक नहीं देखा है। हाँ हे भगवान, ये कीर्ति ना हमारे वरुण की जिंदगी बर्बाद कर दी है। भाभी सच कहे तो हमारा तो मन कर रहा है कि कीर्ति की अम्मा को बुलाए और उन्हें कहे कि हमें हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए उनकी बेटी से। काश उस रात वो सब ना होता। अरे बस करिए ऋतु, अरे बेकार की बातें याद करके आप बातों का बतंगड़ मत बनाइए। हाँ जो हो गया सो हो गया, बस। पता नहीं हम अपने बेटे को ऐसे देख के कैसे जिएंगे, उन्हें घर जाके दो निवाले भी नसीब होंगे या नहीं। अभी बस कीजिए, मत रोइए, समझाइए ना भाभी को। बस करिए भाभी। इस वक्त यहाँ? वो मैं पास की मार्केट में जा रही थी तो सोचा पहले आपको ये खाना दे दूँ। श्रद्धा प्लीज अब अंदर तो आओ। नहीं नहीं हो, अभय ने साफ मना किया है इस घर की चौखट को पार करने के लिए। आप ये ले लीजिए। संभल के वरुण जी। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले देखना इसका नतीजा। अभय, 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 अभय! अरे क्या चाहिए तुम्हें, हमारे बेटे को अकेले क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम? भाई पहले अपने बेटे को बुलाइए फिर बात करेंगे। अभय, 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 अभय!
ये क्या? जाने के बाद भी वापस आके तुम्हें तमाशा ही करना है। अगर हमारा तमाशा इतना खटक रहा है ना, तो अपनी बीवी को काबू में करना सीखो, क्योंकि वो इस वक्त हमारे घर पे है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने श्रद्धा को मना किया था वहां जाने से, वो कभी नहीं मेरी बात टालेगी। किया है उन्होंने हमारे घर की दहलीज पार, हमारे घर में हमारे पति के लिए खाना लेकर आई है वो। बहुत गर्व था ना तुम्हें अपनी बीवी पे और आपको अपनी बहू पे। हमें कहते हैं कि हम हद पार करते हैं, तो वो क्या कर रही है? अगर अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते ना, तो हम पे धौस मत जमाओ। ए! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय से ऐसे बात करने की? और एक मिनट, अब तो ये तुम्हारा घर भी नहीं है कि तुम जब मन चाहे यहाँ पे आके शोर मचाओगी। ये सब ना तुम अपने घर में जाके करो। जाओ, तुम हो कौन? हाँ, इस घर के किसी कोने में पड़ी रहती हो ना? नाम क्या है तुम्हारा? शीतल, भूमिका, सोनाली, अरे जो भी हो, अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में टांग मत अड़ाओ। हमारा नाम तो तुम्हें याद है ना, या वो भी भूल गई? रितु बुआ, तुम जैसी को बना देते हैं पूंछ कटा हुआ चूहा। जिस गली से आई हो ना, उसी गली से बट लो। उल्टे पाव गई थी ना इस घर से बाहर, तो क्यों वापस आकर यहाँ आकर ढोल पीट रही हो तुम? अरे हमें कोई शौक नहीं है ढोल पीटने का। अगर आपकी प्यारी बहू हमारे घर पे जाके मंजीरा ना बजा रही होती, और तुम है कि आपकी बहन यहाँ आके मौका नहीं छोड़ती सबको खरी खोटी सुनाने का। श्रद्धा, अभय के मना करने के बावजूद तुम कीर्ति के घर गए क्यों? तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी बहन को बदतमीजी का प्रदर्शन करने का फिर से मौका मिल गया। हाँ, हमें बदतमीज बोलने से पहले अपने बेटे को तमीज सिखाइए, जो हमारे घर में हमारी पार्टी में हमारे दोस्तों के साथ बदतमीजी कर रहा था। और दूसरी तमीज ना अपनी बहू को सिखाई, जिसने हमारे जले पे नमक छिड़क रखा है। और आप दीदू, अरे आपको तो एक कौड़ी की समझ नहीं है, हमारी जिंदगी में जहर घोलती रहती है। बस। तुमने जो बोलना था हम सबने सुन लिया है, अब और कुछ नहीं है तो चलो निकलो यहाँ से। तो हमें भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। इस घर में रहना कौन चाहता है? अपनी बीवी को संभाल लो, समझा दो उसे कि हमारे जिंदगी में बार बार दखल अंदाजी ना दे। अगर हमारे जिंदगी में किसी ने भी टोका टाकी की, तो उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। और दीदू, आप तो अच्छे से ही समझ जाइए। चलो। लीजिए भाभी, अब वरुण के साथ साथ अभय भी हाथ से निकल गया है। ये ग्रह विनाशिनी ने इतना कुछ बोला श्रद्धा के बारे में, लेकिन अभय ने एक बार भी एक शब्द नहीं कहा श्रद्धा को। पता नहीं ये दोनों बहनों ने क्या जादू कर दिया हमारे दोनों बच्चों पर। अभय भी गया हाथ।
आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? नहीं। क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस घर में गई, तो पक्का से कोई ठोस वजह रही होगी। लेकिन मेरी वजह से आपको कीर्ति से इतना सब कुछ सुनना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे श्रद्धा जी, कभी हमें भी शुक्रिया बोलने का मौका दीजिए। शुक्रिया क्यों? क्योंकि अब ये रोज रोज के ड्रामे से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया श्रद्धा। देखो अब ये रोना मत शुरू कर देना, तुम्हें अपने आंसू से बहुत प्यार है ना। ये नहीं कि मुझे मेरी नई कामयाबी पे मुबारकबाद ही दे दो। सच? हाँ, क्लाइंट को मेरा काम बहुत पसंद आया है, उसी के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। बस तुम्हारी दुआएं काम में आ जाएं और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मुझे पूरा यकीन है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलकर ही रहेगा। बस अब तुम ये घर की उलझनों से बाहर निकलो, तो मेरे काम में मेरा साथ दोगी ही हमेशा। उन्हें हमेशा भड़काना ही होता है। लेकिन तुम्हें वहां पे जाके तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा तो आपने बना दिया है मोहल्ले वालों के सामने हमारा, कि हम आपको खाना ही नहीं देते, इसलिए बाहर से लोग आके आपको खाना खिला रहे हैं। बाहर वाले? कीर्ति, श्रद्धा तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन थी, त्रिपाठी खानदान में जब से उसकी शादी हुई है ना, उनकी तरह बातें करने लगी है, उनकी तरह हमारी बेइज्जती करती है, उनकी तरह उसे लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, और अभी आप भी वही कर रहे हैं। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वो मम्मी ने मुझे देख लिया था सुबह चाय की टपरी पे नाश्ता करते हुए, इसलिए उन्होंने ही भेजा होगा श्रद्धा को खाना लेके। अरे तो आप ढंग की जगह पे जाके नाश्ता नहीं कर सकते थे क्या? ठेले पे जाके करना जरूरी था। कीर्ति, तुम्हें होश भी है कि तुम किस बात पे मुझसे झगड़ रही हो? अरे इस घर के खर्चे मेरे गले तक आ गए, अच्छी जगह का निवाला खाने की औकात नहीं है मेरी, और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई कि घर का खाना खाने की बजाय मुझे जाकर रास्ते पे नाश्ता करना पड़ रहा है। ठीक, घर का खाना चाहिए ना आपको, हम बनाएंगे घर का खाना, अब आपको हम देंगे घर का खाना। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, स्वीटू मेरी बात तो सुनो। अरे स्वीटू तुम ये क्या कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था, ये क्या कर रही हो तुम? आपको खाना चाहिए ना, हम बनाएंगे खाना। अरे आराम से, उंगली कट जाएगी, क्या कर रहे हो? हम बना कर ही रहेंगे। अरे क्या कर रही हो तुम? आराम से, आज तो खाना आ गया ना, तुम कल बना लेना। क्या कर रही हो तुम? अरे ध्यान से, ये उंगली कट जाएगी देख के, क्या कर रही हो? अरे देखा, मैंने कहा था ना जल जाएगा, क्या कर रही हो तुम? भी बिल्कुल सुनती नहीं। अभी बेटर लग रहा है? गृहस्थी चलाना तो दूर, हमने तो शादी के सपने तक नहीं सजाए थे वरुण जी, अचानक से हमारी शादी हो गई, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। हम अपनी जिंदगी कैसे छोड़ दें? सबको लगता है कि हमारी गलती है, कोई हमें नहीं समझता। एक आपसे उम्मीद है कि परिवार वाले हमें समझे या ना समझे, आप समझेंगे। स्वीटू, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि घर की जिम्मेदारियों का तुम पे बहुत दबाव है,
आज मेरे साथ खाना खा लो, कल की कल देखेंगे, ठीक है? अबे, ये आपका टिफिन। आज आप अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं ना, देखिएगा वो आपको मिलकर ही रहेगा। मैंने माता रानी से मन्नत मांगी है। तुम्हारी मन्नतों का अस्त्र अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पूरी शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से ये आपके लिए। अच्छा, आज ना ताऊ जी का जन्मदिन है, तो आप वापस आते वक्त एक तोहफा ले आएंगे उनके लिए? ठीक है, शाम को मिलता हूँ। हाँ मम्मी। इतने दिनों से जैसे चाय नाश्ता करने की शांति से ना हमारी आदत ही छूट गई थी, मजा आ गया भाभी। बिल्कुल सही कह रही है ऋतु। और आज तो दिलीप भाई साहब का जन्मदिन भी है, वो हम खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ अच्छा भाभी, बताइए ना क्या क्या बनाया जाए, बोलिए। कैसी बातें कर रही है आप तनु भाभी? वरुण के बिना भाभी जशन के बारे में सोच भी कैसे सकती है? आज तक एक भी जन्मदिन वरुण के बिना नहीं मनाया है हमने तो। अरे वरुण के जन्म के पहले भी तो हम मनाते थे ना, और आज भी हम हैं, तो पूरा परिवार एक साथ धूमधाम से मनाएगा और क्या। और हाँ, खाने की जिम्मेदारी ना श्रद्धा ने ले ली है, इसीलिए आज उसने काम से भी छुट्टी ले ली है। बाकी के काम आप और हम मिलके कर लेंगे, ठीक कह रहे ना भाभी? वो सब तो ठीक है तनु भाभी, लेकिन श्रद्धा सब कुछ कर लेगी। अब मेरा मतलब था कि पूरा पूरा दिन अब तो उसका ध्यान ना वो छोटी तितली में रहता है, तो कहीं उसी बहाने बड़ी तितली उड़ ना जाए काम से पहले। अरे ऋतु, तितली वितली भूल जाइए, हम ना श्रद्धा को संभाल लेंगे, वो ऐसा कतई नहीं करेगी। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी मुझे ना अर्जेंट अभी घर जाना होगा। अरे तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो भाई, तुमने तो छुट्टी ली थी ना। अरे घर में इतनी तैयारियां करनी है, हमने बताया था तुम्हें, भूल गई क्या? मम्मी जी वो बबलू का फोन आया था, मम्मी चक्कर खा के गिर गई है, शायद उनका बीपी लो हो गया है, मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इन्होंने तो आपका पूरा का पूरा फेस बिगाड़ दिया। ये सपना तुमने जानबूझ के किया है कीर्ति। अरे बुआ जी, कीर्ति अब कुछ नहीं बोलेगी तू। नहीं रहेंगे हम चुप, और आप बुआ जी अपना घर तो बसा नहीं पाई, इसीलिए सबका घर तोड़ते रहते हो। बस तुम दोनों इस घर से निकलो अभी इसी वक्त। अब से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे बंद। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।